तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जंपिंग स्टेटमेंट। दिस इज अवर पार्ट 3। अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं बुला मजे के साथ, और पूरी प्लेलिस्ट, पूरी नाइन्थ की, पूरी नाइन्थ की पूरी जावा की प्लेलिस्ट अगर चाहिए तो आई बटन पे क्लिक कर लो, सब कुछ मिल जाएगा भाई, टेंशन क्यों लेते हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ब्रेक और कंटिन्यू को लेके आज हम करने वाले हैं बहुत कुछ। तो स्टार्ट करते हैं भाई, चलो भाई आगे आ जाओ। सो यहाँ पे देखें, हम कंट्रोल स्टेटमेंट में हमने डिसीजन मेकिंग कर लिया है, लूप कंस्ट्रक्ट कर लिया है, आज हम करने वाले हैं जंपिंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हमने टिक लगे हुए हैं ये हो चुके हैं पार्ट 1 और 2 में। तो अभी तक नहीं देखा, देख लो भाई, क्यों रुके हो, आगे बढ़े। ठीक है भाई, तो ब्रेक क्या होता है? जावा ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक लूप और स्विच स्टेटमेंट। तो ब्रेक क्या होता है भाई, नाम से ही पता चल रहा है, ब्रेक जो कि क्या कर रहा है भाई, स्टॉप कर रहा है, स्टॉप कर रहा है किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी लूप को। तो ये क्या करता है, किसी भी लूप को या किसी भी प्रोग्राम को रन करने से रोक देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, इट ब्रेक्स द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एट द स्पेसिफिक कंडीशन इन केस ऑफ इनर लूप एंड इट ब्रेक्स ओनली इनर लूप। तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भाई कंटिन्यू क्या है। अब कंटिन्यू कीवर्ड इज यूज टू एंड द करंट इटरेशन इन ए फॉर लूप और वाइल लूप एंड कंटिन्यूस टू द नेक्स्ट इटरेशन। अब यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन देखी भाई, इस अंकल जी को आपको जानते ही होंगे, ये कह रहे हैं कि भाई कहना क्या चाहते हो भाई। तो हम कहना ये चाहते हैं भाई कि कह के नहीं करेंगे भाई, करके करेंगे। ठीक है भाई, तो अब ये क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे ना, पहले प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम करके हम समझते हैं सारी चीजें। ठीक है भाई, सारी चीजें हम प्रोग्राम करके ही समझेंगे, बिना प्रोग्राम करके हमें अपने को कुछ नहीं आने वाला। तो प्रोग्राम में आते हैं भाई, कहाँ है ब्लूजे, ओके ये है ब्लूजे। तो भाई सबसे पहले हम प्रोग्राम करते हैं, और प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे मैंने प्रोग्राम कर रखा है, देखते हैं कौन सा वाला प्रोग्राम है। ठीक है, ये हमारा, ठीक है ये हमारा क्या है, लूप का प्रोग्राम है। ठीक है, ओके, तो ये सिंपल प्रोग्राम है हमारा, इसको हम क्या करने वाले हैं, जरा ब्रेक का यूज करते हैं इस पे और कंटिन्यू का यूज भी करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो कंडीशन तो मुझे गिवन है, इनिशियल कंडीशन अपन को गिवन है, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 30 एंड आई इज आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करता हूँ और इसमें एक कंडीशन दे देता हूं, इफ, ठीक है भाई ब्रैकेट लगाया, इफ आई इज इक्वल्स टू 5, मैं यहाँ पे दे देता हूँ आई इज इक्वल्स टू 5, मतलब आई क्या है 5, मैंने आई को 5 दे दिया। ठीक है, आई को मैंने कंडीशन दे दी 5, और मैंने यहाँ पे अब क्या कर दिया, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया, सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट एल एन आई, अब मैं यहाँ पे इसको जरा कंपाइल करके देखता हूँ, तो देखो अरे क्या बात है भाई, दिल को सुकून मिल गया, कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं आ रहा। मैं इसको क्लोज करता हूँ और अब इसको लूप को चलाते हैं भाई, इस लूप को चलाते हैं भाई, और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आ गया मेरा रन करके, 1, 2, 3 और 4। तो ये 1, 2 और 3 और 4 मेरे पे आ गया, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है बेटा, तो इसका मतलब क्या है बेटा, हमें क्या बता सर, आप बताओ। तो ठीक है भाई, बता लेते, ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या है भाई, एक बार देख लेते हैं, जो अभी हमने देखा, जो अभी हमने प्रोग्राम देखा उसका मतलब क्या है सर, तो वो भी हम बहुत अच्छे से देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं अपने को। ठीक है ना, तो इसको लिख के भी देख लेंगे भाई, क्योंकि बहुत बच्चे बोलते हैं सर करके बताओ, है ना, लिख के बताओ सर, लिख के बताओ। तो ठीक है भाई, लिख के बता देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो मैंने क्या बोला था भाई, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 था, ठीक है, और i इज लेस देन इक्वल्स टू 30 था, ठीक है, और i इक्वल्स टू i प्लस 1 था। ठीक है भाई, अब यहां पे मैंने एक कंडीशन दी, इफ i इज इक्वल्स टू 5, ठीक है भाई, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये आपको पूरा लिखना है i। अब यहां पे हुआ क्या, देखो भाई हुआ क्या, और जो मेरा आउटपुट आया, वो मैं लिख लेता हूं, जो मेरा कंपाइल करके आया वो आया 1, 2, 3 और 4। अब यहां पे क्या हुआ देखो, जब ये कंडीशन रन हुई, ठीक है, फॉर i इक्वल्स टू 1, तो ये यहां पे क्या होगा, यहां पे i इक्वल्स टू 5 था नहीं, तो ये फिर बाहर आया लूप से, फिर यहां पे गया, फिर i इक्वल्स टू 2 होगा, फिर यहां पे भी i इक्वल्स टू 2 तो था नहीं, तो फिर ये बाहर आ गया लूप से, ऐसे करके जब ये 5 पे आया,
जब आई इक्वल्स टू यहाँ पे, क्योंकि लूप चल रहा है, आई इक्वल्स टू जब 5 हुआ तो ये यहाँ पे आया। अब इसने देखा जब आई हो गया किसके बराबर, 5 के बराबर, तो मैंने कंडीशन दे दी भाई ब्रेक रुक जा, भाई रुक जा थम जा, मैंने क्या बोला रुक जा भाई स्टॉप हो जा। अब जब ये ब्रेक की कंडीशन आती है ना तो जो लूप होता है ना भाई अपना, वो विराम लगा देता है, वो स्टॉप हो जाता है। अब जो लूप आएगा ना, अब लूप क्या है ना, इसके बाहर से यहाँ पे वापिस इनिशियल कंडीशन में फॉर में नहीं जाएगा, वो यहां से रुक जाएगा भाई, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो। तो वो रुक जाएगा, और जब वो रुक जाएगा, जब यहां से मेरा 1, 2, 3 और 4 बना, तो जैसे ही वो कंपाइल करेगा 5 पे, तो वो रुक जाएगा और वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, खत्म हमारा प्रोग्राम हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो हमारा क्या था, हमारा क्या था, ये हमारा ब्रेक का कंडीशन था, ठीक है भाई। तो भाई हमारा ब्रेक का कंडीशन भी हमने देखा, ठीक है भाई, अपन को ब्रेक का कंडीशन भी देख लिया। अब आते हैं भाई कंटिन्यू की कंडीशन में, ठीक है भाई, इस भाई की बात भी मानो, सब्सक्राइब करो। अब कंटिन्यू की कंडीशन में आते हैं भाई, देखते हैं कंटिन्यू की कंडीशन में। तो मैं यहाँ पे एक मिनट रुक जाऊं, अच्छा जी ठीक है, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना, बाद में तुम बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो सर। अब यहाँ पे देखो कंटिन्यू की कंडीशन में क्या है, कुछ नहीं करना भाई अपने को, मैंने कंडीशन पहले से ही बना रखी थी, ठीक है, पहले से ही कंडीशन बना रखी थी। तो भाई यहाँ पे ब्रेक की जगह बस कंटिन्यू लिख देते हैं, और अब क्या होता है देखते हैं भाई। भाई स्पेलिंग ना मिस्टेक हो, बच्चे बड़े गंदे ट्रोल करते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, आई इफ कंडीशन दी, इफ आई इक्वल्स टू 5, और कंटिन्यू करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दिया, देखते हैं भाई दिल पे हाथ रख के कंपाइल होता है कि नहीं। अरे वाह हो गया भाई, कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं आ रहा, मैं क्लोज करता हूँ इसको, और अब यहां से रन करके देखता हूँ, क्योंकि हमारा सेकंड प्रोग्राम था ये, मैंने इसको रन किया और वाह भाई वाह क्या बात है। तो जरा देखें 1, 2, 3, 4, अरे ये 5 कहाँ गया, देखो यहां से 5 गायब हो गया, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 30 तक जा रहा है। यहां पे ना भाई एक चीज नहीं है, एक चीज मिसिंग है, और वो क्या है 5। तो भाई वापिस से इसको देखते हैं भाई, अब यहां पे हुआ क्या, हुआ तो हुआ क्या भाई, तो एक काम करते हैं भाई, यहां पे क्या हुआ बहुत अच्छे से देखो। अब जब मैं इसको कंडीशन में ले जाता हूं भाई, यहां पे वापस चलते हैं प्रोग्राम में, और एक सेकंड भाई, और जब मैं इस पे देखता हूं भाई, जब मैं इसको देखता हूं, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन कर रहे थे किसकी, अभी हम कंडीशन कर रहे थे किसकी भाई, कंटिन्यू की, ठीक है। तो वापस मैं कंटिन्यू में चलता हूं, और यहां पे देखो आई इज इक्वल्स टू मैंने 5 लिया था और कंटिन्यू करा था, ठीक है। अब हुआ तो हुआ क्या भाई, जो मेरा आउट, जो मेरा प्रिंट आया भाई, उसमें क्या आया 1, 2, 3, 4 बस। अब यहाँ पे ये 6, 7 और 30 तक ये चले गया भाई, भाई यहाँ पे ये 5 नहीं आया भाई, ये 5 क्यों नहीं आया भाई, 5 क्यों नहीं आया। अब हुआ तो हुआ क्या, अब जब ये, मैं यहाँ पे पहले पूरी कंडीशन लिख देता हूँ भाई, नहीं तो बच्चे बोलते सर नकली काम मत करो, है ना। फॉर आई एंट आई इक्वल्स टू 1 था, फिर i इज लेस देन इक्वल्स टू 30 था, फिर i प्लस प्लस, या फिर i इक्वल्स टू i प्लस 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या, जब मैं यहाँ पे इसको कंपाइल किया तो 1 हुआ, ठीक है 1 आ गया, फिर सेकंड भी आया, फिर थर्ड भी आया, फोर्थ भी आया। अब यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 5, अब ये जो i इक्वल्स टू 5 हुआ ना यहाँ पे, तो ये क्या कर गया, यहाँ से जंप करके, जब कंटिन्यू मैंने बोला ना, तो ये जंप करके फिर वापस लूप में चले गया। और इस केस में जिस पे मैंने कंडीशन दी थी ना आई इक्वल्स टू 5, तो वो वाला प्रिंट ना होके आगे वाले जितने भी आई की कंडीशन मैंने यहां पे दे रखी थी, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 30, वो सारा का सारा प्रिंट हो गया। तो ये क्या करता है, कंटिन्यू क्या करता है, जंप फ्रॉम द करंट इल्ट्रेशन, ये करता क्या है, ये करता क्या है, ओनली जंप्स फ्रॉम द करंट इटरेशन, जो करंट इटरेशन में होता है वहीं से जंप कर जाता है, और फिर क्या करता है 6, 7, 8 और पूरा 30 तक चलता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं भाई, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डिफरेंस क्या होता है सर, डिफरेंस पूछ लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंस बताते नहीं है भाई, इन द एंड ऑफ द डे हमें नंबर चाहिए भाई, और नंबर कैसे आएंगे भाई, जब हम लिखेंगे। तो भाई ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है, तो देखो भाई ब्रेक क्या होता है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द लूप, ठीक है भाई। ये कहाँ पे यूज होता है, एक डिटरमाइन करने के लिए, या फिर क्या करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, टर्मिनेट, टर्मिनेट डिटरमाइन नहीं भाई, टर्मिनेट,
डिटर्मिनेट नहीं, मतलब डिटर्मिनेट नहीं, टर्मिनेट करने के लिए, रोकने के लिए, एंड करने के लिए ब्रेक का यूज होता है। और कंटिन्यू क्या होता है, इट इज यूज टू कंटिन्यू द नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप। और कंटिन्यू क्या होता है, नेक्स्ट इटरेशन लूप में करने के लिए कंटिन्यू यूज होता है। दूसरा क्या है कि कंटिन्यू यूज इन द लूप, सॉरी ब्रेक इज यूज इन द लूप एंड स्विच केस। देखो भाई, जो ब्रेक होता है वो लूप और स्विच केस दोनों में यूज होता है, स्विच केस और लूप में दोनों में यूज होता है, बट कंटिन्यू जो होता है वो ओनली यूज इन द लूप, वो लूप पे ही यूज होता है कंटिन्यू। ठीक है भाई, अब कीवर्ड क्या है भाई, कीवर्ड ब्रेक इज यूज फॉर द ब्रेक स्टेटमेंट। ये तो सर मजाक कर रहे हो क्या कि भाई अगर मुझे ब्रेक स्टेटमेंट करना है तो ब्रेक का यूज करना पड़ेगा, और कीवर्ड कंटिन्यू के लिए कंटिन्यू ही है भाई, क्या बात है, कोई नई बात है। चलो भाई आते, कंट्रोल इज द ट्रांसफर आउटसाइड द लूप। अब जो कंट्रोल, अब जो ब्रेक कंट्रोल है, ये क्या करता है, ट्रांसफर आउटसाइड द लूप, ये क्या करता है, एंड कर देता है और लूप के बाहर आ जाता है और प्रोग्राम खत्म। बट यहीं पे क्या करता है, ये कंटिन्यू क्या करता है, रिमेन्स इन द सेम लूप, और कंटिन्यू क्या करता है, सेम लूप के अंदर रहता है, बस वही वाली कंडीशन है जिससे वो बाहर निकला था, वो वाला प्रिंट नहीं होता भाई, जो कि अपन ने प्रोग्राम में देख लिया। ठीक है भाई, तो यहां तक आप इसको फटाफट लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं भाई। क्विज टाइम। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को देखो और बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, और ये वाला सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, ये भी एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या आने वाला है वो भी आप जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो है, ये ए जो है, दिस इज माय जीरो, बी है मेरा 10, सी है मेरा 1, डी है मेरा 7। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताए। ठीक है, बहुत बढ़िया, और सब्सक्राइब कर लो भाई, शर्म करो थोड़ी सी, आईसीएसई के स्टूडेंट है तो सब्सक्राइब जरूर करो। अबे भाई कहाँ जा रहा है, अरे 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 अरे, सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, टिल देन बाय बाय, लव यू। और रुक जाओ यार, अगर आईसीएसई का कंटेंट ढूंढते ढूंढते थक गए तुम्हारे नैना, तो जीनियस क्लासेस है ना।